खुदा हम क्या करें, ए खुदा हम किससे मांगे, हम किससे पुकार लगा है। सिवल काल कल 10 बजे मेरे साथ चाय पीली, रोजे की कसम, मैंने उससे उसको बोला मुझ पर बोर्ड पर जाना है, क्या पता कहाँ पर उसको सोमू से उतारा गया और छेड़ किया गया, किस बात पर किया गया, मुझको मारो, मेरे बेटे को मार दिया, क्यों मार दिया, पंचवी जमात में पढ़ता था, मेरा कुछ सहारा ही नहीं है। मैं गवर्नर से अपील करता हूँ कि उनको भी फांसी दो जिन्होंने मेरे बच्चे को गोली मारी, क्यों मारी, क्या मुजाहिद था, क्या दहशत गर्द था। मुझको बोर्ड पर जाना है, मैंने बोला जाओ परवाह। पोते का नाम क्या है? मकबूल, वो पुलिस में काम करता है, उसी का बेटा है, ये 15वीं में पढ़ता है। ये नाम क्या है? नाम है उसका एजाज। क्या कसूर है, किस वजह पर हमारा बच्चा मारा गया, हमें इसका जवाब चाहिए। मे दिव لاش مےٚ چین وجن میانیو بایو مےٚ چین وجن میانیو بایو مے دِو لاش میانیو بایو یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کل 5 بجے جب یہ گھر میں تھا تو یہ کب سے مجھے مر گیا نارتھ کشمیر میں پچھلے ایک ہفتے میں 2 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस किए गए और इन दोनों ऑपरेशंस में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 24 दिसंबर को वनीगाम गांव में, जो कि क्रीरी पट्टन के इलाके में पड़ता है, वहां एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट को मार गिराया गया था, जिसमें एक टेररिस्ट पाकिस्तान का रहने वाला था, अबरार, 2018 से एक्टिव था, और उसके साथ दूसरा लोकल टेररिस्ट आमिर सिराज था, सुपौल का रहने वाला, जो जून 2020 से एक्टिव था। कल शाम को नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास नूरा हॉस्पिटल के ऑपोजिट एचएमडी एरिया में स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि वहाँ पे कुछ टेररिस्ट ने पनाह ली है। उसके बाद आर्मी, जेकेपी और सीआरपीएफ द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जो पूरी रात चला, और आज 11:30 बजे जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो उसमें 3 टेररिस्ट जो हैं उनको मार गिराया गया। गौरतलब बात यह है कि इस इलाके में जो परिमपुरा का, नारबल का और बमीना का इलाका है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं, और सभी इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी। और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया, कॉर्डन करने के बाद टेररिस्ट को सरेंडर करने की अपील की गई। काफ़ी देर अपील करने के बाद एक टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा, जो अंदर उसके बाकी साथी थे उन्होंने फायर खोल दिया और ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उन्होंने फेंके और उसको उन्होंने वापस अंदर बुला लिया। रात होने के बाद ऑपरेशन को हमने सस्पेंड किया, कॉर्डन जो था उसको टाइटन करके इंटैक्ट रखा, और रात भर और सुबह फर्स्ट लाइट पर हमने फिर सरेंडर की अपील की। लेकिन जब भी हमने सरेंडर के लिए अपील की, अंदर से या तो उन्होंने उसका जवाब फायरिंग से दिया या लगातार ग्रेनेड फेंके, तो इससे जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने वाले ताक में नहीं थे, और जो गोला बारूद उन्होंने पूरी रात यूज़ किया सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट, वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। और उसके बाद जब दोनों तरफ से
गोलाबारी हुई और इस कार्रवाई में तीनों के तीन मारे गए। थैंक यू।